आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण पर। कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करती है और चक्रों को कैसे भेदती हुई ऊर्ध्वरेतस होती है, इन सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि कुंडलिनी शब्द आया कहाँ से है। कुंडलिनी हमारे वेदों का शब्द नहीं है। कुंडलिनी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, इन सब ग्रंथों में कहीं कुंडलिनी का कोई जिक्र नहीं है। तो कुंडलिनी शब्द हमारे तंत्र ग्रंथों से आया है। वेदों में जब व्यक्ति योग सिद्ध हो जाता है, उसके लक्षण बताए हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्म वर्चस्व और तेजस्व को प्राप्त करता है तो उसका शरीर विलक्षण हो जाता है, उसका मन उसके नियंत्रण में हो जाता है और शरीर में अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ऐसा हमारे वेदों में आता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और कुंडलिनी का अनुभव हर व्यक्ति का अपना अलग अलग हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों में हम नहीं जाएंगे। हम केवल प्रैक्टिकल जो अनुभूत चीज़ें हैं उनके उन पर बात करेंगे। देखिए, कुंडलिनी जो शब्द है, इसमें ऐसा समझा जाता है कि एक सांप कुंडल मानकर जैसे बैठा रहता है और फन को फैलाकर, ऐसे ही हमारे मूलाधार चक्र में, स्पाइन का जो सबसे नीचे का भाग है, वहाँ मूलाधार चक्र स्थित है। मूल आधार इसके नाम से भी विदित है। शरीर की शक्तियाँ सारी मूलाधार चक्र में ही समाहित है। अब जैसे जैसे व्यक्ति प्राण साधना करता है, योग में आगे बढ़ता है, उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और सीधी चलने लगती है। जो कुंडल मारकर जो सांप बैठा था वो सीधा ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर गति करने लगता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि कुंडलिनी एक ऊर्जा है, एक शरीर और मन की एक अपार अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करने का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। अलग अलग चक्रों को भेदते हुए हमारे शरीर की जो शक्ति हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती, संपूर्ण शरीर में जब शक्ति का संचार होने लगता है तो व्यक्ति अद्भुत हो जाता है। उसके ब्रेन की क्षमता अद्भुत हो जाती है, उसकी एकाग्रता और उसका IQ लेवल बहुत अलग होता है। सामान्य व्यक्ति से वो बहुत भिन्न हो जाता है। वेद में एक मंत्र आता है, अथर्वेद का मंत्र है, अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर्योध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषवृता, कि आठ चक्र नौ द्वार हमारे इस शरीर में, आठ चक्र हैं, नौ द्वार हैं। अब आप गूगल पर यदि सर्च करेंगे तो समस्त गूगल का ज्ञान सप्त चक्रों की बात करता है, सात चक्रों की बात करता है, तो इसमें भी भ्रांतियां हैं। लेकिन वेद शास्त्रोक्त है और वेद ज्ञान ही पुरातन है, वास्तु ज्ञान है, तो हमें वेदों की ही बातों को मानना है। तो आठ चक्र कौन कौन से हैं, इस पर अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज मूलाधार चक्र की बात करते हैं। मूलाधार चक्र हमारे जो स्पाइन है पीछे की साइड, इसका जो सबसे लास्ट का नीचे का जो भाग है, एनस भाग से, गुदा द्वार का जो मूल भाग है, गुदा का जो मूल आधार है, उसे मूलाधार कहते हैं। यहाँ पर शरीर की समस्त शक्ति सन्निहित होती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो हम विचार करते हैं, सारी शक्तियों का केंद्र मूलाधार है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। अब ये शक्ति, इस शक्ति को जब बाहर की ओर आप हरासमेंट करते हैं, बाहर की ओर ये वेस्ट होती रहती है तमाम तरह के दूसरे क्रियाकलापों के द्वारा, तो ये शरीर की शक्ति हमारी बाहर नष्ट हो जाती है। जब योग साधना करता है कोई भी साधक, अलग अलग साधनाओं की प्रक्रियाओं से अपने आप को गुजारता है, तो यह शक्ति हमारी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। ऊपर की ओर मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र और फिर प्राण चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस तरह से इन आठों चक्रों को ये भेदती हुई हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, तो व्यक्ति अद्भुतता को प्राप्त करता है। अब मूलाधार चक्र की शक्ति को जागृत कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे। मूलाधार चक्र
कि शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ प्राणिक प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग साधनाएं हैं। दूसरा, सामान्य सी स्थिति में मैं आज आपको बताऊंगा कि मूलाधार चक्र को आपको अपने मूल भाग को, अपने एनस भाग को ऊपर की ओर संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है। इसे अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं। तो कुछ मुद्राओं का प्रयोग करके ओम का उच्चारण जब हम करते हैं, ओम की साधना करते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर की शक्ति जागृत हो जाती है, हमारे चक्र जागृत होते हैं। अलग अलग ओम की जो ध्वनि होती है, जब हम ओम बोलते हैं तो अ, उ और म तीन ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अ की ध्वनि का पूरा वेग हमारे मूलाधार चक्र को स्पर्श करता है, उस पर जाकर एक वेग उत्पन्न करता है और हमारे शरीर की शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो आ की ध्वनि आप अधिक से अधिक लंबी उच्चारण करेंगे तो मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तियों को अलग चक्रों में हम जागृत करते हैं, तो इसकी अलग अलग विधियां हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पर। आप सभी के लिए बहुत शुभकामना। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।